हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुष अग्रवाल और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11, 12 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में। और आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि पीसीएम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन के साथ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स आए थे एंड मैंने प्रेफर किया था बुक से पढ़ना। मैंने अपने 11th 12th के लिए जो बुक रेफर करी थी वो यहाँ स्क्रीन पे आ रही होगी, तो ये सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक थी जिसको मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए रेफर किया था। एंड मैं यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी रेफर किया था जिससे मैं बीच बीच में कभी पढ़ लेता था। यूट्यूब चैनल की बात करें तो सबसे पहले चैनल आता है हमारे पास APPedia। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और चैनल को देखते हैं। सो इस चैनल से मैंने पर्सनली पढ़ा था कभी कभी, तो ये चैनल काफी अच्छा है, इसकी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी है। इस चैनल पे अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सारी की सारी प्लेलिस्ट आ रही है, जैसे कि टर्म वन फिजिकल एजुकेशन की कम्प्लीट प्लेलिस्ट है, टर्म टू फिजिकल एजुकेशन की भी कम्प्लीट प्लेलिस्ट है। टर्म वन का मैं कोई प्लेलिस्ट खोलूंगा, इसमें सारे चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है। एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज यूज करी गई है हिंदी एंड एक्सप्लेनेशन है नोट्स के थ्रू, जो की काफी अच्छी है। सो पर्सनली ये काफी डिसेंट चैनल है प्रिपरेशन के लिए। एंड जो बुक मैंने स्टार्टिंग में बताई थी सरस्वती पब्लिकेशंस की, वो भी काफी अच्छी बुक है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए इस चैनल पे और उस बुक पे रिलाई कर सकते हैं आराम से। एंड हम बात करते हैं दूसरे एक चैनल की, जकी सौदागर। सो इस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो इस पे भी पूरी की पूरी कम्प्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th एंड 12th की। एंड इस चैनल के भी मैंने कुछ वीडियोज देखे तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी है। दोनों ही चैनल काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं एंड दोनों ही चैनल्स पे अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे पेपर्स भी सॉल्व कराए गए हैं दोनों ने, और MCQ questions, important questions, इन सब की भी playlist बन रखी है। तो physical education के लिए ये दोनों ही channels prefer करे जा सकते हैं जिसका भी अच्छा explanation समझ में आ रहा हो। एंड अगर book से पढ़ना है तो book मैंने बताई दी थी, ठीक है। तो physical education के लिए इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो physical education के लिए अगर मैं कोई टिप बताऊँ बोर्ड्स पे आंसर लिखने के लिए पर्टिकुलरली, तो मैं बोलूंगा कि आंसर इन पॉइंट्स। मान लिया अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, define some techniques to increase strength. Strength increase करने के लिए मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो लिखूंगा points में, और points में मैं एक solid headings भी डालूंगा। जैसे अगर मैं 5 marks का कोई question 5 points में answer कर रहा हूँ तो पहला point की कोई heading होगी, दूसरे point की कोई heading होगी और उसके अंदर मैं explanation दे रहा हूँगा। तो मैंने personally यही use किया था and इससे answers भी काफी impressive लगते हैं और काफी clean लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ठोस 5 पॉइंट्स लिखे हैं इस आंसर के लिए, ठीक है। तो मेरा पर्सनली यही था एंड बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स इन चैनल्स पे भी गिवन है। सो फिजिकल एजुकेशन के लिए बस इतना ही। सो अब बात करते हैं फाइन आर्ट्स के बारे में। सो फाइन आर्ट्स मैंने पर्सनली है मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में। सो मैंने चीजें याद करी थी इसमें टोटली, जिसके लिए मैंने बुक्स प्रेफर करी थी, ठीक है। दो बुक्स प्रेफर करी थी, एक जिसमें पूरा का पूरा कॉन्टेंट था एंड सेकेंड बुक में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स थे उस सेम कॉन्टेंट के चैप्टर वाइज जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। सो YouTube चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला चैनल आता है हमारे पास हसन आर्ट स्टूडियो। तो चैनल की तरफ चलते हैं, इस चैनल का कंटेंट बताऊँ तो इस पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे के सारे सिलेबस की। अब सिलेबस भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है तो इस चैनल पे सारा का सारा अपडेटेड सिलेबस मेंशन है। और इस चैनल पे बुक्स भी रेफर करी गई है जो कि हमें फाइन आर्ट्स के लिए प्रेफर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम इनकी वीडियोस में देखी तो बुक्स का कंटेंट पुराना हो चुका है। कुछ बुक्स है जो कि अपडेटेड सिलेबस के साथ है तो इस चैनल पे उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। एंड बाकी प्लेलिस्ट कंप्लीट दे रखी है और इस चैनल की मैंने कुछ वीडियोस देखी तो एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की गई है, जो भी कंटेंट है उसको एकदम हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया है। एंड फाइन आर्ट्स का क्या रहता है, हमें एक पेंटिंग इवन होती है और उसके साइड में उसका सारा का सारा कंटेंट रिटन होता है थ्योरी के फॉर्म में जिसको हमें याद करना होता है, ठीक है। तो मैंने पर्सनली पेंटिंग देखता था और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता था तो उसको मैच करने की कोशिश करता था कि इसमें एक्चुअली क्या डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे मिल जाएगी और मेरे को काफी ठीक लगा इस चैनल का कंटेंट, ठीक है। तो यू कैन इजीली प्रेफर दिस चैनल फॉर फाइन आर्ट्स। और दूसरे चैनल की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है हमारे पास गति ग्रुप ऑफ क्लासेस। एंड इस चैनल पे भी कंप्लीट सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन जो हसन आर्ट स्टूडियो चैनल की एक्सप्लेनेशन है वो इससे मुझे थोड़ी सी पर्सनली ज्यादा बेटर लगी है। सो यू कैन पर्सनली कंपेयर बोथ द चैनल्स एंड रिलाई ऑन व्हाटएवर चैनल यू वांट। एंड दोनों ही चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों पे MCQs भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं, जो कि एक काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो फाइन आर्ट की बुक एंड यूट्यूब चैनल यही थे यार। एंड अगर मैं टिप की बात करूँ तो फाइन आर्ट्स में मेरा कुछ ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने जैसा कि मैंने बताया मैं पेंटिंग और उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे देखता था कि इसमें एक्चुअली डिपिक्ट क्या कर रखा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता था। एंड इसके आंसर्स लिखने के लिए मैंने चीजें मगअप भी करी थी मैं पर्सनली बताऊँ तो, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है और पढ़ना अच्छा लग रहा है फाइन आर्ट्स तो अच्छी बात है। तो थ्योरी में मेरा स्कोर 39 आउट ऑफ 40 था, एक मार्क मेरा कुछ घटा था। सो फाइन आर्ट्स के लिए इतना ही था। सो अब बात करते हैं इंग्लिश की। सो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे इंग्लिश में 90 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100
सो इस सब्जेक्ट के लिए भी मैंने पर्सनली बुक्स ही प्रेफर करी थी एंड कभी कभी मैं यूट्यूब पे भी देख लेता था चैप्टर्स की एनिमेशंस देख लेता था स्टोरीज की जिससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता था। तो यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो पहला चैनल आता है हमारे पास 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। सो मेरे टाइम में यार इस चैनल पे जो कंटेंट अवेलेबल था उसमें 15 मिनट्स के वीडियोस होते थे, वीडियो लेक्चर्स होते थे जिसमें जो हमारे एजुकेटर हैं वो शॉर्ट समरी एक पीपीटी के फॉर्म पे हमें पढ़ाते थे एंड अब इस चैनल का कंटेंट और भी इंप्रूव हो चुका है। सो चैनल पे चलते हैं। सो अभी यार इस चैनल पे काफी सारी चीजों की प्लेलिस्ट गिवन है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड हमारे लिटरेचर वगैरह, सो इस चैनल पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास चैनल है, चैनल का नाम है अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 12th एंड 11th कॉमर्स, ठीक है। तो इस चैनल पे इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट गिवन है जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड मैंने पर्सनली ये प्लेलिस्ट चेक करी तो काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है इस पे चैप्टर्स की। एंड इस चैनल पे और भी प्लेलिस्ट गिवन है जिसमें वन शॉट में पूरा का पूरा रिविजन करा रखा है कम्प्लीट सिलेबस का, तो ये चैनल मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। सो ये दो चैनल्स थे जिसको तुम देख सकते हो। और बाकी चैनल्स में कुछ बताऊं, कुछ कुछ चैनल्स पे एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में भी कंटेंट गिवन है, तो उन चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एक चैनल है जिसपे पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है चैप्टर्स की, जो फ्लेमिंगो एंड विस्तास में जितने भी हमारे लिटरेचर सेक्शन के चैप्टर्स हैं उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है एक चैनल पे जिसका नाम है एडू कैप्टन। सो इस चैनल पे भी तुम विजिट कर सकते हो और बाकी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अनदर चैनल फॉर इंग्लिश इज एपीपीडिया। यस, अगेन एपीपीडिया चैनल पे हमारी पूरी फिजिकल एजुकेशन भी थी और इन्होंने इंग्लिश का कंटेंट भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। सो एपीपीडिया चैनल पे इंग्लिश की काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन गिवन है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में थी, तो इस पे भी मैं उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश की भी होगी। सो यू कैन ऑल्सो रेफर एपीपीडिया फॉर इंग्लिश। सो बाकी चैनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड बाकी अगर मैं कोई टिप की बात करूँ इंग्लिश के लिए, तो यार स्टोरीज के लिए तो मैं पर्सनली स्टोरीज बुक से पढ़ता था एंड बाद में मैं यूट्यूब पे उसकी एनिमेशन वीडियोस भी देखता था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, और पीसीएम के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।